हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएजी 174 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बीपीएजी 174, और इसमें मैं आप सबको 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ में अगर आप लोग बीपीएजी 174 की क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, यहाँ जो लिखा हुआ आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएजी 174, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा बीपीएजी 174 सतत विकास, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा और आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम में जो होता है वो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको क्या करना, 5 क्वेश्चन करने हैं। और शब्द सीमा यानी कितने में लिखना, 400 शब्द लिखने जानिए, कहने का मतलब है 4 से 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। और हर क्वेश्चन जो है लगभग 20 नंबर का रहेगा, 20 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिएगा पहले में क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सतत विकास के सिद्धांतों और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन 20 नंबर का रहा, यानी सतत विकास के आपको क्या बतानी, इसमें सिद्धांत बताना है और इसमें विशेषता बतानी है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, सतत विकास के लिए एकीकृत प्रणालियों, मानव विकास और हरित लेखन दृष्टिकोण की जांच कीजिए, आपको ये बताना। 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सतत विकास के लिए एकीकृत प्रणालियों, मानव विकास और हरित लेखांकन दृष्टिकोण की जांच कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। अगला देखिएगा हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं, क्या बताना है भाई मेरे, जलवायु परिवर्तन पर आप लोग वैश्विक शासन से क्या समझते हैं, आपको बताना, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा अगला हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जैसे पहला क्या है, सतत विकास के आपको लक्ष्य बताने हैं, और दूसरा क्या, सतत विकास के आपको लक्ष्य बताने, यानी सतत विकास के लक्ष्य बताने यानी 1 से 3 बताना है। अगला सतत विकास का जो लक्ष्य बताना है 12 से 15 तक बताना है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिएगा हमारा जो पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा, हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं और श्रेणियों का वर्णन कीजिए, क्या बताना आपको, हरित प्रौद्योगिकी जो विशेषता और श्रेणी आपको बतानी, जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, सतत विकास पर श्रमिक संघों और निगमों की भूमिका की जांच कीजिए, भाई सतत विकास पर जो श्रमिक संघ है और निगम उनकी आपको बताना, जिनकी लिखना उनके बारे में। सातवां क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, क्या, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। और हमारा जो आठवां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना, पहला आपका है जैसे का आपका है खाद्य सुरक्षा, जो कि आपकी 10 नंबर का हो जाएगा, और खाप करेगा आदिवासी अधिकार और पर्यावरणीय न्याय, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। देखो जो आठवां क्वेश्चन आता है, जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें का और खा करके आएगा, तो आपको क्या करना है, का और खा दोनों ही करना है चौथा क्वेश्चन और आठवां में से। ऐसा नहीं कि अब जैसे आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है, आपने भाई खाद्य सुरक्षा लिख लिया लेकिन आपने खा छोड़ दिया, ऐसे मत कीजिएगा। अगर आपको करना है आठवां क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन करना है का खा वाला, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक लिखने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको कोई भी, आपको भाई 5 क्वेश्चन आप लोग क्या कहें, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट देखिएगा बीपीएजी 174 आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, और अगले जो क्वेश्चन पेपर हमारा जून 2023 का, कब का, जून 23 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएजी 174 सतत विकास, ठीक है, आपका एग्जाम भाई 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, और आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें एक चीज ये रहती कि आपका 4-4 क्वेश्चन का 2 पार्ट है, 1 में से 2 क्वेश्चन करना, 1 में से 3 क्वेश्चन करना है, और जो 400 शब्दों में लिखना, शब्द गिनने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा 4-4.5 पेज लिख देना, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भाग एक में देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सतत विकास के आर्थिक आयाम का वर्णन कीजिए, भाई सतत विकास के आपको क्या बताने हैं, आर्थिक आयाम बताने हैं, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 पर एक टिप्पणी कीजिए, भाई मेरे जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है 1992, इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, विकास और सतता की अवधारणाओं की जांच कीजिए। भाई विकास और सतता की जो अवधारणा आपको बताना है जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे हमारा का क्या है, मानव जाति की सामूहिक धरोहर, और खा हमारा बनेगा सामूहिक धरोहर की त्रासदी। तो यानी आपको का और खा दोनों करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं एक किया एक छोड़ दिया। अब देखिएगा भाग दो में देखो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा का। सबसे पहले भाई मेरे जलवायु परिवर्तन की आपको अवधारणा बतानी है और विकास और सतता और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों को उजागर करना है, ठीक है, 20 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा क्या रहेगा, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों की जांच कीजिए। भाई सतत विकास बताना और खाद्य सुरक्षा के बीच दोनों में संबंध क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, सतत विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विस्तार पूर्ण। भाई जो सतत विकास है उसमें जो हमारी शिक्षा यानी जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसको आपको क्या करना है विस्तार से पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 20 नंबर का। अगला देखिएगा हमारा जो आठवां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे हमारा का क्या रहेगा, सतत विकास की प्रासंगिकता आपका 10 नंबर का रहेगा, और खा हमारा सतत विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका भी 10 नंबर का हो जाएगा। यानी आठवें में आपको का और खा दोनों करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक किया एक छोड़ दिया। यानी इस हिसाब से आठ क्वेश्चन आएगा, आठ में से आपको क्या करना है, पांच क्वेश्चन ना। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, एक काम कीजिएगा आप लोग, ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा है ना 9034747158, आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां पर मैं आपको भाई मेरे क्लास पढ़ा दूंगा, और ये फ्री में आपको क्लास पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं है। आपको गूगल मीट पर मैं आपको बाकायदा सारी क्लासेज में पढ़ाता हूँ, आप लोग इस पर मैसेज कीजिए, और बाकी और भी सब्जेक्ट जो आपका होगा वो भी मैं पढ़ा दूंगा। साथ ही आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके, ये जो बार कोड आपको दिख रहा है ना, QR कोड इसको बोलते हैं, ठीक है, QR कोड बोलते हैं भाई, इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन हो जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी बच्चा हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बहुत सिक्योर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपका नंबर कहीं पर भी इधर उधर शेयर नहीं होगा, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर देखते देखिएगा BPAG 174, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिएगा BPAG 174 सतत विकास, भाई 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि आपको 8 में से क्या करना भाई मेरे 5 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिएगा भाग एक में देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, सतत विकास के एकीकृत प्रणालियों प्रणाली दृष्टिकोण और औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सतत विकास के सामाजिक घटकों की जांच कीजिए, हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा वैश्विक सामूहिक धरोहर और वैश्विक शासन तथा जलवायु परिवर्तन के संबंधों की आपको क्या करनी है, जांच करनी है, ये भी हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या रहेगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्द में आपको क्या करना, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे हमारा का क्या रहेगा, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और दूसरा जाए यथास्थिति दृष्टिकोण, ये आपका 10 का हो जाएगा। देखो चौथे क्वेश्चन में जो आपको का और खा दे रखा है, भाई दोनों करना पड़ेगा, ये नहीं चौथा क्वेश्चन लिख रहे हो और आपने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा लिख दिया, यथास्थिति दृष्टिकोण छोड़ दिया, या आपने यथास्थिति दृष्टिकोण लिख दिया, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा छोड़ दिया, ऐसा मत करना। अगर आता होगा तो दोनों आता है तभी कीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन के अर्थ और प्रभाव की जांच कीजिए, भाई जलवायु परिवर्तन का क्या अर्थ है और इसका प्रभाव को बताना है। छठा क्वेश्चन जो आपका रहेगा, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना भाई, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच आपको संबंध बनना है। देखो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इग्नू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप लोग इनको करके जाएंगे तो आपको 100% बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में हरित प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना है, आठवां का, जिसे का क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मूल निवासियों का महत्व, और खा हमारा रहेगा सतत विकास की आवश्यकता। एक काम कीजिए, को पेन और पेपर लिया करो
और जो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग ना लिख लिया करो भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पहले आ चुके हैं और इस बार भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसको करके जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर देखते, देखिएगा BPAG 174 ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग करने जा रहे हैं ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2000, देखिएगा BPAG 174 सतत विकास। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, नोट्स में वही बातें लिख रखे जो हमने पहले बात किया। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सतत विकास का अर्थ और उसका स्वरूप की चर्चा कीजिए, आपको बताना है सतत विकास का अर्थ और स्वरूप बताना। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, सतत विकास के आर्थिक घटकों का है, भाई सतत विकास के आपको क्या बताना, आर्थिक घटक बताने हैं। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सामुदायिक सामुदायिक क्षमता निर्माण और मानव विकास दृष्टिकोण सतत विकास के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, टिप्पणी कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी। देखिएगा का हमारा क्या रहेगा, वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा 10 नंबर का हो जाएगा, और ख हमारा रहेगा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, 10 नंबर का हो जाएगा। यानी ये चौथा जो क्वेश्चन आपका का और खा ये दोनों ही करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। अब देखिए भाग दो में देखिए इसमें क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा करेगा सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। भाई देखो ये क्वेश्चन बार बार आ, देखो कई सारे तीन क्वेश्चन पेपर में तो आएगा, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा संबंध बहुत पूछ रहे हैं भाई मेरे। अगला देखेगा, हरित प्रौद्योगिकी बहुत आया है और इसकी विशेषता श्रेणी बताओ। ठीक है, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका बहुत बार आ चुका है या विश्वविद्यालय की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% करके जाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे हमारा का क्या है, वैकल्पिक संसाधन उपयोग 10 नंबर का हो जाएगा, और खा हमारा क्या रहेगा, सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत आपको बताना, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करना है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारे क्वेश्चन आप सबको पढ़ के जाने हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी क्लास चाहिए तो आप ये मेरा जो मोबाइल नंबर है 9034747158 इस पर व्हाट्सएप मैसेज फटाफट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जल्द क्लास पढ़ाने वाला हूँ। आप चाहे ओनर्स के स्टूडेंट है तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आपको मैं सारी क्लासेस बिल्कुल बाकायदा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, आपका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं। तो वही व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और इसको जो ये आपका कोड आपको दिख रहा है ना QR कोड, इसको QR कोड को जरूर स्कैन कीजिएगा। इसको स्कैन करने से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर देगा व्हाट्सएप ले जा करके। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज कर देना कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां पर आपको सभी प्रकार की जानकारी, आपको पेपर कैसे लिखना, क्या करना क्या नहीं करना है, आपको वहां पर सारी जानकारियां जो हैं वो मिल जाएंगी, आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।